नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह आज फिर से आपके लिए एक नया आर्टिकल लेकर आया हूँ। मेरा ये आर्टिकल कारगिल युद्ध की एक दर्दनाक दृश्य की आपको फिर से याद दिलाएगा कि हमारे वीर सैनिकों ने किस प्रकार कारगिल युद्ध जीता था। हमारा ये आर्टिकल कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों पर है जिन्होंने देश को जीत दिलाने की खातिर अपने आप को हंसते हंसते देश के लिए नौछावर कर दिया, नहीं तो हमारा जम्मू कश्मीर भी हमारा ना रहता। हमारे वीर सैनिकों के बलिदान के द्वारा हम पुनः अपने जम्मू कश्मीर पर फिर से तिरंगा लहरा रहे हैं और अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। ये आर्टिकल हमारी संस्था हुनर बाल कल्याण एवं सेवा समिति के द्वारा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए सुनते हैं कारगिल युद्ध की वीर गाथा। बात उन दिनों की है, तारीख 3 मई 1999। देश पर एक विकट संकट आ गया था, नाम था कारगिल युद्ध। पाकिस्तान ने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया था। कांप उठी थी यह धरती जब पता चला हमारे देश की सर्वोच्च चोटी पर कुछ भारी तत्वों ने कब्जा कर लिया था। जब हमारी सरकार और सैनिक को पता चला कि हमारी धरती पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, वह केवल भूमिखंड नहीं, वह तो भारत देश की शांति, उस जगह का नाम था जम्मू कश्मीर, यानी भारत का दिल। अपना दिल कौन किसी को देता है। भारत सरकार को जब पता चला हमारे देश की सर्वोच्च चोटी पर पाकिस्तान सैनिकों का कब्जा हो गया है, तब एक सुर में आवाज आई, अपने वतन को बचाना है, अपने वतन को बचाना है। तब हर एक भारतीय तक यह संदेश पहुंचाया गया, भारत किसान खतरे में है, भारत किसान खतरे में है। उस पर कुछ पंक्तियां, कांप उठी है धरती मेरी, लाल हुआ है मस्तक मेरा, कांप उठी है धरती मेरी, लाल हुआ है मस्तक मेरा, प्राण संकट में है, आओ लाल मुझे बचाओ, इन दुश्मनों से तुम मुझे छुड़ाओ, उठो देश के वीरों आगे अपने कदम बढ़ाओ, हर कदम पर अब सोला बन जाओ, मेरा लाल कभी डरना नहीं, हौसले बुलंद हो कितने भी दुश्मनों के, तुम भी किसी से कम नहीं। यह भारत माँ की कसम तुमने खाई थी, तुम भारत माँ के वीर पुत्र हो, माँ भारती का सम्मान बचाना है, भारत का सम्मान बढ़ाना है, हर एक भारतीय का नारा तिरंगे का मान बढ़ाना है, झंडा ऊँचा रहे हमारा, यही है भारतवर्ष का नारा। जब हमारे देश की सरकार ने एक आवाज लगाई, मेरे भारत देश की माताओं मुझे अपने वीर सपूतों को दे दो, अपने भारत देश की शान खतरे में है, आपके वीर पुत्रों को युद्ध भूमि में भेजना है, इसलिए माताओं ने देश के सम्मान के लिए अपने वीर सपूतों को देश के हवाले कर दिया। यह सब सुनते ही समय रुक सा गया, सभी की आंखें नम हो गई। यह देख ना जाने कितनी माताओं ने अपने बच्चों को जंग में बेच दिया, यह भी नहीं सोचा वह वापस आएगा या नहीं। उन बच्चों ने ना तो हथियार देखे थे, ना ही हथियार चलाए थे, ना हथियार ना शस्त्र चलाने का कोई प्रशिक्षण ना अनुभव, बस एक ही हथियार उन सभी माताओं ने अपने बच्चों को दिया, तू नियत्ता ही जा, बल तू जा इस धरती का फर्ज निभा, मेरा आशीर्वाद ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है, चल पड़े ना जाने कितने सूरवीर, मन में क्रोध आंखों में चिंगारी दिल में जुनून, वह मेरा भारत ही था, साधन नहीं थे जाने के, रास्ता खुद ही बना लिया, खाना खाने का वक्त कहाँ था, जो मिला रूखा सूखा उसको अपनी माँ का खाना समझकर खा लिया, देश को आज़ाद कराने के लिए आगे आ गया मैं, मर मिटने की कसम खाई थी मैंने, देश को बचाने की खातिर हंसते हंसते शरीर नौछावर कर दूँगा यह कसम मैंने खाई थी। इस पर भारतीय सैनिकों ने आगे लिखा, उस समय जब युद्ध चल रहा था बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था, भाग सकता था मैं भी, छुप भी जाता कहीं किसी कोने में, पर देश की खातिर भागा नहीं, वही खड़ा रहा, चल रही थी चारों तरफ गोली, पता नहीं अगला कदम जमीन पर होगा या बारूद पर, तोपे भी चल रही थी, अब तक निशाने भी लग रहे थे, कोई गोली छू कर निकल रही थी तो किसी वीर सैनिक के सीने को चीर कर निकल रही थी, समय थम सा गया था, दिवाली की ये शाम लगने लगी थी, गोलियों की आवाज से डर रहा था यह धरा, सांसें भी तेज चल रही थी, कदम भी बढ़ रहे थे, मंजिलें भी दिख रही थी और दुश्मन भी हमें चारों तरफ से देख रहा था। जब गोली चलने की आवाज से धुएं का बादल सा बन गया, रास्ते भी दिखना बंद हो गए, साथ भी छुटता रहा अपनों का, या देख अपनों की तरफ जाऊं या दुश्मनों की तरफ जाऊं, हौसला देता रहा अपने आप को क्योंकि मैं एक सैनिक था, इस तिरंगे की शान के लिए अपने आप को रुकने नहीं दिया, यह तिरंगा नहीं, यह तो भारत देश की शान थी,
मेरे देश की शांति, एकता में अखंडता। एक बार थाम लूं तिरंगे को, गिरने नहीं दूंगा, यह कसम मैंने खाई थी। हर भारतवासी के विश्वास की जीत है यह तिरंगा, सभी का विश्वास और आशीर्वाद मेरे साथ था। लेके तिरंगा मैं भी चलता रहा, उन आंधियों की तरफ बढ़ता रहा, कदम अपने रुकने नहीं दिए, हौसले कभी डगमगाए नहीं। गोलियों की आवाज से चारों तरफ चीखे ही चीखे निकल रही थी, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही थी। कारगिल की चोटी पर अब खून की नदियां बहने लगी थी, खून की नदियां बहने लगी थी। वीरों की तरह आगे बढ़ता रहा, दुश्मनों को दूर भगाता रहा, हमारे हौसलों को देख दुश्मन भी भागने लगे। 12,000 फीट ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को हराकर कारगिल की चोटी पर पुनः कब्जा कर तिरंगा लहराया। यह उन सभी हिंदुस्तान सैनिकों के साथ साथ भारत की जीत थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए तो भारत सरकार ने इस दिन को विजय दिवस के रूप में हर साल मनाती है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिस पर हर एक भारतवासी को गर्व होना चाहिए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह कारगिल युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध 2 महीनों तक चला। इस कारगिल युद्ध में कई माताओं के पुत्र शहीद हो गए। किसी माता के पुत्र की एक टांग में गोली लगी, किसी का एक हाथ कट गया, किसी सैनिक के दोनों पैर खराब हो गए, तो किसी के आंखों से दिखना बंद हो गया। लेकिन हमारे सैनिकों ने कभी हार नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी। इन शहीदों में कोई 15, कोई 20 साल का, तो कोई 24 साल का नौजवान सैनिक था। ना जाने कितने शहीद इस तिरंगे पर लिपट कर अपने वतन को वापस आए। सलाम उन शहीदों को जो सो गए, वतन को जगाकर खुद ही सो गए, वतन को जगाकर खुद ही सो गए। दोस्तों, कारगिल युद्ध तो हमने जीत लिया, परंतु उससे बड़ा युद्ध तो भारत देश के अंदर ही हो रहा है। इसको कैसे जीता जाए, इस पर एक सैनिक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इतना सब बलिदान देने के बाद भी मुझे क्या पता था हमारे इस भारत के कितने धर्म के टुकड़े हो जाएंगे, कितने समुदाय में हमारा भारत देश बट जाएगा। ना जाने कितने लोग अग्निपथ पर चलने लगेंगे, कहीं नफरत तो कहीं अपने देश के लोगों के साथ अपनों से हिंसा। मैं एक सैनिक आम आदमी की तरह आप सभी से पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रखी है। मैं अपने मूल अधिकारों का पालन करते हुए देश के हित के लिए मतदान किया था कि आप सभी को सर्वोच्च चोटी पर बिठाया, जिससे आप सही निर्णय ले सकें, देश को आगे और उन्नति के पथ पर बढ़ा सकें। देश के सर्वोच्च चोटी पर बैठे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, चाहे उनसे नीचे काम करने वाले IAS अधिकारी, PCS अधिकारी और आप सभी से नीचे काम करने वाले देश के सेवक, कहीं आप भी तो भारत के लिए गद्दारी तो नहीं करने लगे। नहीं तो मुझे लगेगा हमारा बलिदान देश के लिए बर्बाद चला गया, हमारा बलिदान देश के लिए बर्बाद चला गया। ऐसा तो नहीं था मेरा भारत। आओ चले इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाए। ना नफरत, ना द्वेष, ना कोई हिंसा, ना कोई झूठ, ना कोई मतभेद, सभी के लिए एक कानून हो, ना किसी के साथ मतभेद। इसमें निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय परिवार के बच्चों का भविष्य आप सभी के हाथों में है, इसलिए इन बच्चों को राजनीति के दलदल में मत फंसने दो, इन बच्चों को आपस में भी मत बांटने दो। इसलिए मेरे देश के टुकड़े होने से बचाओ, मेरे देश के टुकड़े होने से बचाओ। मैं एक सैनिक भारत सरकार से यह भी चाहता हूँ संपूर्ण विश्व के सभी तरीकों के हथियार हमारे पास हों, हमारे देश की सुरक्षा के लिए चाहे जल, थल, वायु, हमारे सैनिकों को कभी भी किसी शस्त्रों की कमी ना रहे। हमने संसाधनों के अभाव में बहुत से जवानों को खो दिया था। अपने भारत को इतनी ऊंचाई तक ले जाए कभी भी किसी चीज की कमी ना रहे, हम आत्मनिर्भर बन सके। इसमें सबसे पहले सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो और सभी के लिए रोजगार हो। अगर हम सभी भारतवासियों को यह सब हासिल कर लिया तो मेरा और मेरे देश के बलिदान हुए शहीदों को सच में सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटे गांव की प्रत्येक सड़क बड़ी बड़ी सड़कों से कनेक्ट हो, सड़कें इस प्रकार की बने कि 30-50 वर्षों तक उनमें कोई भी नुकसान ना हो, प्रत्येक गांव में बड़े से बड़ा अस्पताल हो जहाँ डॉक्टरों की कमी ना हो, प्रत्येक गांव में सरकारी स्कूल टॉप क्लास की फैसिलिटी के साथ अच्छी से अच्छी शिक्षाएं दी जाए। यही है नवयुग के निर्माण के लिए। आओ मिलकर हम सब नया भारत बनाएं।
सुबह उठकर रोज एक ही संकल्प करें, जय हिंद। हम अपने भारत को सबसे श्रेष्ठ बनाएंगे, हम अपने भारत को सबसे श्रेष्ठ बनाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। आइए हम नव युग के निर्माण के लिए नया भारत बनाएं। दोस्तों, आप सभी को हमारा यह आर्टिकल कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके दिल में भी सैनिक के सम्मान की भावना है और आप भी उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आप भी हमारी संस्था हुनर बाल कल्याण एवं सेवा समिति से जुड़ सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आप सभी लोगों को भी कारगिल युद्ध की वीरगाथा के बारे में पता चल सके, किस प्रकार हमारे सैनिकों ने कारगिल युद्ध जीता था। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह आप सभी से जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। आप भी इस भारत को नव निर्माण में अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।